हॉन्टेड हॉस्पिटल। काफी दिनों के बाद सोहन अपने शहर में वापस आया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता है। जैसे ही घर आया, सोहन को अपने दोस्त कार्तिक की याद आई। उसके साथ सोहन ने अपना बचपन बिताया था। सोहन उससे मिलने उसके घर चला गया तो पता चला कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाना होगा। अब सोहन अपने दोस्त से मिलने उस सुनसान जगह में बने हुए हॉस्पिटल में जाता है, जिसके आसपास झाड़ियां और चमगादड़ों का घर था। ओहो, ये कैसे हॉस्पिटल में एडमिट है? देखो तो चारों तरफ मकड़ी के जाले ही जाले हैं। जैसे ही सोहन हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसे वहां पर घोर अंधेरा नजर आता है, जिसके चलते उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ने पर उसे एक नर्स दिखाई देती है, तो वो नर्स के पास चला जाता है। एक्सक्यूज मी नर्स, मेरा दोस्त यहाँ एडमिट है, क्या आप बता सकती हैं कि वो किस कमरे में है? उसी वक्त नर्स का सिर पूरी तरह से पीछे की ओर घूम जाता है और ये देखकर सोहन बुरी तरह डर जाता है। किस दोस्त की बात कर रहे हो तुम? यहाँ आने वाला हर इंसान अजनबी है, और तुम यहाँ कैसे आए हो? ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसे देखने आया हूँ। उसका नाम है कार्तिक। उसी वक्त वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है, जिसकी लाल लाल आंखें अचानक अपना रंग बदलने लगती हैं। तो ये सब देखकर सोहन कुछ समझ नहीं पाता और थोड़ा घबराने भी लगता है। डॉक्टर बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी मौत ने तुम्हें यहाँ खींचा है क्या? जानते नहीं इस हॉस्पिटल में दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं? क्या तुम भी उस दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो? दूसरी दुनिया? ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने दोस्त कार्तिक से मिलने आया हूँ। और उसी वक्त सोहन को कार्तिक की आवाज आती है और वो उस कमरे की ओर चल देता है जहाँ पर कार्तिक रहता है। अरे यार, तुम यहाँ तो आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ के लोग और माहौल भी बहुत डरावना लग रहा है मुझे। तुम्हें यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। तभी कार्तिक बड़ी ही अजीब आवाज में बोलने लगता है, तुम कौन होते हो? मुझे या किसी को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले? जानते नहीं ये हॉस्पिटल उन लोगों के लिए है जो दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, बल्कि मैं भी अब उस दूसरी दुनिया का सदस्य बन चुका हूँ। कार्तिक, कार्तिक मेरे भाई, ये तू क्या कह रहा है? मैं तुझे दूसरे हॉस्पिटल में जरूर लेकर जाऊंगा। उसी वक्त कार्तिक अपने हाथों को लंबा करते हुए सोहन का गला पकड़ने लगता है। ये सब देखकर सोहन को चक्कर महसूस होने लगता है। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब वो समझ चुका था कि वो किसी हॉन्टेड हॉस्पिटल में आ गया है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर डॉक्टर और नर्स भी आ गए। इतनी जोर जोर से आवाज क्यों कर रहे हो तुम? जानते नहीं यहाँ आवाजें करना मना है? शायद तुम ऐसे हॉस्पिटल में पहले नहीं आए। एक बात याद रखना, जो भी इस हॉस्पिटल में आता है वो फिर कभी बाहर नहीं जा सकता। तभी सोहन ऐसा महसूस करता है जैसे उसके कंधे पर किसी ने अपने लंबे हाथ रख दिए हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दोस्त कार्तिक होता है, जो बाल को खोलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। आप सब ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता आप लोग कौन है। अरे मैं तो बाहर रहता हूँ, अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन लगता है गलत जगह पर आ गया हूँ। गलत जगह आ गया जरूर, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो, वो तो उस एक्सीडेंट में कब का मर गया और अब दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। अब ये बाहर नहीं जा सकता, ये तो हमारा शिकार हो चुका है। नर्स की लाल आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सोहन को मार के खा ही जाएगी। अगले ही पल सोहन खुद को पंखे से उल्टा लटका हुआ पाता है और उसका दोस्त कार्तिक सामने बनी अलमारी में चढ़कर बैठा होता है। जैसे तैसे सोहन अपना हाथ पंखे से अलग करता है और कूद कर दौड़ने लगता है। पूरा हॉस्पिटल उसे भूल भुलैया की तरह लगता है,
जिस भी तरफ जाता है वहाँ कई सारे डॉक्टर और नर्स उसका पीछा करने लगते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। उसी वक्त सोहन को सामने एक खिड़की दिखाई देती है जिसमें से वो कूदकर भागने की सोचता है, जिसमें से पीछे से उसका हाथ एक भयानक सी शक्ल वाले इंसान ने पकड़ लिया होता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे इस दूसरी दुनिया में नहीं रहना है और मैं वहाँ वापस आना भी नहीं चाहता। तभी पीछे से कार्तिक, डॉक्टर, नर्स सभी आकर खड़े हो जाते हैं। अब सोहन को लगने लगता है कि जैसे उसका इस हॉन्टेड हॉस्पिटल से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी अचानक कार्तिक की नज़र सोहन के गले में पड़े हुए भगवान के लॉकेट पर पड़ती है। ये तुमने क्या पहन रखा है? इसे निकाल कर अभी फेंक दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। सोहन जैसे ही अपने लॉकेट की ओर देखता है तो वो समझ जाता है कि अब उसकी जीत निश्चित है। वो जल्दी से भगवान के लॉकेट को निकाल कर अपने हाथों में रख लेता है, जिसे देखकर डॉक्टर, नर्स, कार्तिक सभी डरने लगते हैं और दूर हटने लगते हैं। लगता है मेरा हथियार मुझे मिल गया है और अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। अब भगवान के लॉकेट को हाथ में लेकर सोहन खिड़की से बाहर की ओर कूद जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो हॉन्टेड हॉस्पिटल धीरे धीरे गायब होने लगता है। इस लॉकेट की वजह से मेरी जान बची है, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपने दोस्त को खो दिया। ऐसा बोलकर सोहन वहां से चला जाता है और फिर वापस उस जगह पर लौटकर नहीं आता।